हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। अभी यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है, इसलिए अभी डिनर बना रहे हैं। देख सकते हो पहले आज रोटी बना रहे थे, क्योंकि सब्जी सोचे थोड़ा पहले बाद में बनाएंगे, इसलिए कि सब्जी बनाने के बाद ना मन नहीं करता है रोटी बनाने का। और अभी खास करके बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का, इसलिए कि अभी जस्ट हम लोग बाहर से घूम के आए हैं, जो कि मेला लगा हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ डाल दिया हमने तेल, उसके बाद से लाल मिर्च, थोड़ा जीरा डालेंगे इसमें, तो जीरा भी है यहाँ पे, क्योंकि हम कोई भी सब्जी में ना बिना जीरा डाले बनाते नहीं है, इसलिए कि जीरा हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बिना जीरा का सब्जी मेरे को लगता ही नहीं है कि टेस्टी है। तो यहाँ हमने डाल दिया जीरा, और उसके बाद से लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि आलू बैंगन की सब्जी में ना लाल मिर्च बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लाल मिर्च डाल देते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको डालने के बाद ना सीधा आलू इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे इसको, इसलिए कि रोटी से खाना है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और रोटी फाइनली बन गया है, बस मिस्टर राज के लिए थोड़ा सा आटा रख दिए हैं, वो जैसे खाएंगे तो उनके लिए गर्म बना कर देते हैं, क्योंकि उनको गर्म खाना पसंद है, और चाहे रोटी हो या सब्जी हो, तो सब्जी बनने के बाद उनके लिए रोटी बनाएंगे। फाइनली आज जल्दी जल्दी बना रहे हैं, और मेला घूम के आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या क्या खरीदे वहाँ से आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाएंगे, बाकी आप लोग बने रहो, अभी हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी इसमें डाल दिए हैं हल्दी, नमक, हल्दी थोड़ा सा कम है तो अभी निकाल के डालेंगे, क्योंकि डिब्बा में ही कम पड़ गया। और यहाँ पे सबसे पहले टमाटर डाल देते हैं, आलू बैंगन की सब्जी में टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है। कल तो आलू बैंगन का सब्जी बनाए थे, बट मिस्टर राज को उतना पसंद नहीं आया, इसलिए आज बना रहे हैं फिर से। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चला देते हैं, आज का हमको थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि कल ना आलू ज़्यादा ही गल गया था। और एक तरफ यहाँ पे हम धनिया पत्ता काट लेते हैं, धनिया पत्ता से ना आलू बैंगन का सब्जी और टेस्टी लगता है। देख सकते हो आप कितने लोगों को धनिया पत्ता ज़्यादा पसंद है, आपको ये भी बताना। बाकी अभी खाना बन रहा है, रोटी तो बन गया है, आप लोग बने रहो। हे गाइस, तो अभी आज दूसरे दिन शूट कर रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि कल जो हम शूट कर रहे थे ना, उसमें पता नहीं किस चीज़ का सब्जी बनाया था, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन अभी कभी जो ब्लॉग है ना, हमारे किचन से ही स्टार्ट होता है, और ज़्यादातर हम लोग ना टाइम किचन में ही बिताते हैं गर्ल्स लोग। तो अभी यहाँ पे बना रहे हैं आलू गोभी का सब्जी, और पूरा किचन तो साफ़ सुथरा हो गया है, क्योंकि जब तक हम मार्केट गए थे तब तक ये पूरा एकदम मस्त सब सफाई हो गया है। निशा भी एकदम मस्त, वो भी अभी आराम से अपना सारा सामान वामान इधर उधर जो भी पड़ा है वो भी रख रही थी। तो आप लोग देख सकते हो आज हम ना कभी खीर मेरे को मतलब एक बार बनाए हुए थे, वैसे मम्मी से पूछ के, शायद हमको लग रहा है कि दिवाली के टाइम ही बनाए हुए थे, तो उस टाइम मेरे को याद था, मम्मी मेरे को बताई थी खीर कैसे बनाना होता है, तो आज हम सेम वैसे ही ट्राई किए, क्योंकि मिस्टर राज को ना सुबह सुबह मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस तरह हम बनाए थे और उनको अच्छा भी लगा था। आज तो हम वैसे खाए नहीं खीर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं किया, मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम खीर खाए नहीं। और ये हमारा जो नया फ़ोन है ना, इससे आप लोग बताना कैसा लग रहा है वीडियो। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कि दुबई में आप लोग कहाँ कहाँ गए और कौन सा जगह सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप सभी को बता दें। एक मिनट पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो अभी यहाँ पे बना रहे हैं आलू गोभी का सब्ज़ी, पता नहीं कैसा बन रहा है, हमें नहीं पता। बहुत लोग मेरे को बोले थे कि दीदी आप तेल बहुत ज़्यादा डालती हैं, तो ये मुझे भी पता है कि मैं तेल ज़्यादा डालती हूँ, बट क्यों डालती हूँ अभी आप लोगों से पहले बताती हूँ। बहुत सारे लोग ना मतलब हम जब ये वीडियो डाले थे ना, जब दिखा रहे थे सब्जी, तो उसमें हम खुद ही बता दिए थे कि गाइस इसमें तेल ज़्यादा है, क्योंकि हम तेल ज़्यादा इसलिए डाल के बनाते हैं ताकि मिस्टर राज को ना एकदम झूर सब्जी खाना होता है, चाहे वो आलू का भुजिया हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, अगर तेल कम होता है ना तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, जो कि मेरे से नहीं हो पाता है पॉसिबल, इसलिए हम तेल डाल के जैसा उनको पसंद है इसीलिए हम वैसा बनाते हैं। बाकी मेरे मायके में इतना तेल डाल के कोई नहीं बनाता है, ना ही मेरे ससुराल में इतना ज़्यादा तेल डाल के नहीं बनता है, लेकिन हाँ
मम्मी भी बोलते तेल ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, मिस्टर राज को ऐसे खाना होता है तो इसीलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। अब सबको पता है कि हम ऐसे ही सब्जी बनाते हैं, ये आज से नहीं दिखा रहे हैं, बहुत पहले से आप लोगों से दिखा रहे हैं। कोई भी अगर रेसिपी बनाना होता है ना, तो हम वो अगर शेयर किए होंगे तो आप लोग ज़रूर देखना। पहले तो हमारा नॉन वेज वेज ये सब का रेसिपी आता था, अभी बहुत कम आता है क्योंकि अभी हम लोग खुद घर पर पहले की तरह नहीं रह पाते हैं, लेकिन हाँ जब भी रहते हैं हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। और इसलिए कल थोड़ा फ्री टाइम था तो हमने शेयर किया था, जिसमें से कुछ लोग बोल दिए थे। ये सारी बातें छोड़ते हैं और आते हैं दूसरे बात पे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि आप दुबई गई। सच बताऊँ तो दुबई जाने का ना हम लोग का कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग दुबई जाएंगे। अचानक से मिस्टर राज ने वो किया, टिकट किया, वो भी आने का टिकट किया उन्होंने, जाने का हमारा टिकट ही नहीं हुआ था। फिर जैसे तैसे जाने का टिकट हुआ और उसके बाद से हम लोग पहुंच गए दुबई। दुबई हम सोच रहे थे कि यार कभी जाएंगे, कितना मतलब होता है ना, एक सपना था दुबई जाना। लगता था कि दुबई कैसा शहर होगा, मतलब एकदम हमको लगता था कि एकदम बड़ा होगा बहुत कुछ। और जाने के बाद मेरे को एकदम वैसा ही फील हुआ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हुआ है ना। मतलब अभी कुछ साल पहले वहाँ सब लोग बता रहे थे कि पहले ये चीज़ ऐसे था, ये रोड अभी बना, वो रोड अभी बना, तो ये सारी चीज़ें सुन के अच्छा लगा। और वहाँ नेचुरल चीज़ें बहुत कम है, ज़्यादा रेगिस्तान, एकदम मिट्टी 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 बोल रहे हैं, रेत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग वो क्या सफारी क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, उससे हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती की। और सबसे ज़्यादा मुझे कोई जगह पसंद आया ना, तो वो ब्लॉग में शेयर किया था हमने, सबसे ज़्यादा मुझे ना ग्लोबल विलेज लगा, क्योंकि वहाँ हर एक कंट्री का सब कुछ बनाया हुआ था, ईरान का, इंडिया का, फिर से इंडिया से बाहर जो भी जगह है, जैसे कि इंडिया पेरिस का बनाया हुआ था, थाईलैंड का बनाया हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। और जो ऐसे बनाया हुआ था ना, उसके अंदर जैसे थाईलैंड का बना हुआ था, तो अगर हम थाईलैंड वाले में घुस रहे थे तो शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ वो लोग, चाइना था जो, तो चाइना वाले में घुस रहे थे सिर्फ चाइना के लोग वहाँ रह रहे थे और सिर्फ चाइनीज सामान था। तो ऐसे ऐसे करके मुझे लग रहा था कि सिर्फ ये चीज़ बना हुआ है, लेकिन अंदर जाने के बाद वैसे लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमको वहाँ। और बहुत कम टाइम के लिए हम लोग गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा मन लग गया था ना हमको वहाँ पे कि एकदम आने का दिल नहीं कर रहा था। एक तो जो होटल था ना हमारा, वो भी इतना अच्छा था, हम लोगों को नहीं पता था कि इतना अच्छा होटल होगा, लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे ना, सब लोग जो भी थे, जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो आपने होटल किया ना, बहुत अच्छा होटल है। और वहाँ तो सबसे अच्छी बात कि अलग अलग देश के, अलग अलग जगह के वहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ का हर चीज़, जो घूमना फिरना, रोड, वो लाइट, सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और टाइम लेके जाना चाहिए था, बट यहाँ आना भी ज़रूरी था। बहुत कम टाइम के लिए हम लोग सोचे कि चलो घूम के एक बार आना है, फिर देखते हैं क्या होता है। और वहाँ खाने का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसा हम लोग खाना ढूंढ रहे थे वैसा मिल जा रहा था वहाँ, तो एक से एक वैरायटी का खाना मिलता है। हे गाइस, तो जा रहे हैं रोटी बनाने, और आटा बहुत कम ही सने हुए हैं, क्योंकि इतना ही आटा में हो जाता है। रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा शॉपिंग जो करके आए हैं वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।